फाइनली स्वागत है आप सभी का। तो आज हम इंडियन सिनेमा की मोस्ट ट्रस्टेड और जेन्युइन प्लस प्रॉमिसिंग मूवी यूनिवर्स LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों के बारे में जानेंगे इस यूनिवर्स में कौन कौन सी फिल्में आ चुकी हैं और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। भाई साहब, इस यूनिवर्स में 6 बड़ी फिल्में आने वाली है और इस यूनिवर्स की आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में इस यूनिवर्स से आने वाली है। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन कौन सी फिल्में आ चुकी है। नंबर 1 पे कैथी। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी कैथी फिल्म से। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कि पूरे नाइट में सेट थी, फिर भी ये फिल्म इतनी अच्छी बनकर आई थी। ये फिल्म 2019 की दिवाली के खास मौके पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्ती लीड रोल्स में दिखाई दिए थे। इनके अलावा नरेन, अर्जुन दास, जॉर्ज मारियन, दीना और हरीश उथामन जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई दिए थे। ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म बहुत ही अच्छी कलेक्शन करके दिखाई थी। 25 करोड़ के बजट पर बनने के बाद ये फिल्म 110 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिर इसके बाद विक्रम फिल्म आई थी। ये फिल्म ये यूनिवर्स की दूसरी फिल्म थी और ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। भाई साहब, तहलका मचा दी थी इस फिल्म में। ये फिल्म LCU की सेकेंड फिल्म थी जो कि 2022 में आई थी। इस फिल्म में हम सभी को कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फासिल के साथ सूर्या का भी कैमियो हमको देखने को मिला था। जैसे कि आप सभी को बताइए, ये फिल्म कैथी से कनेक्टेड है और जहां से कैथी मूवी खत्म होती है वहीं से विक्रम मूवी शुरू होती है और कैथी मूवी के कुछ एक्टर्स विक्रम फिल्म में भी दिखाई दे चुके हैं। तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक 2 फिल्में आ चुकी हैं और दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं LCU में कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 में थलपति 67। ये बड़ी फिल्म भी इसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। पहले सबको ये डाउट था कि ये फिल्म LCU का पार्ट होगी या नहीं, लेकिन अब ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि ये फिल्म इसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिस फिल्म में एक भी गाना नहीं होने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म में विजय एक खतरनाक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे। इससे पहले 2019 की फिल्म बिगिल में विजय एक गैंगस्टर बने थे रायप्पन और ये फिल्म आग लगा दी थी बॉक्स ऑफिस पर। ये फिल्म में विजय के साथ त्रिशा कृष्णन दिखाई देने वाली हैं। ये दोनों के अलावा इस बड़ी पैन इंडियन फिल्म में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर दिखाई देंगे जैसे कि संजय दत्त, अर्जुन सारजा, प्रिया आनंद, अर्जुन दास, गौतम मेनन, निविन पॉली, मंसूर अली खान जैसे एक्टर्स इस फिल्म में होने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन डायरेक्टर लोकेश कनगराज ही देने वाले हैं जो कि विजय के साथ मास्टर जैसी सुपरहिट फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हाँ, ये इनकी सेकेंड फिल्म है एक साथ। इस फिल्म की शूटिंग इसी दिसंबर से शुरू हो जाएगी और इस फिल्म की शूटिंग 170 दिनों तक चलने वाली है और ये मोस्ट अवेटेड फिल्म 2023 के एंडिंग नहीं तो 2024 तक भी जा सकती है क्योंकि पुष्पा 2 जो कि 2023 में आने वाली थी लेकिन अब वो फिल्म 2024 में आने वाली है, वैसे ही ये फिल्म भी 2024 तक जा सकती है। इस मेगा बजट फिल्म को पॉपुलर बैनर, 7 स्क्रीन स्टूडियो और राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। नंबर 2 प्लेस पे कैथी 2। ये फिल्म इस यूनिवर्स की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म कैथी फिल्म का सीक्वल होने वाली है जिस फिल्म में हमको दिल्ली के पास्ट के बारे में बताया जाएगा क्योंकि दिल्ली यानी कि अपने सिवा का भी एक पास्ट है। कैथी के पहले पार्ट में हमको ये नहीं बताया गया था कि दिल्ली कौन है और ये पहले करता क्या था, ये सब नहीं बताया गया है पहले पार्ट में। कैथी 2 फिल्म की शूटिंग 2023 से स्टार्ट हो जाएगी और ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। इस फिल्म में कार्ती एज द लीड दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म में राघवा लॉरेंस भी दिखाई देंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म में वो विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में ये रोलेक्स के एक काफ़ी खास गैंग मेंबर का रोल प्ले करने वाले हैं। इस फिल्म के लिए आप लोग वेट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। नंबर 3 पे विक्रम 2। ये फिल्म 2022 में आई शानदार फिल्म विक्रम फिल्म का सीक्वल है और ये फिल्म इस यूनिवर्स की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म है। भाई साहब, इस फिल्म का सभी लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट कमल हसन सर ऑलरेडी कर चुके हैं। विक्रम फिल्म जब आई थी ना तभी इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट कमल हसन सर कर चुके हैं और ये फिल्म भी आने वाली है। जी हाँ, कहा जा रहा है इस फिल्म में हम सभी को कमल हसन, सूर्या, कार्ती, फहद फासिल जैसे एक्टर एक साथ दिखाई देंगे। मजेदार फिल्म को डायरेक्शन लोकेश कनगराजी देने वाले हैं और ये फिल्म 2024 नहीं तो 25 तक आने वाली है।
नंबर फोर पे रोलेक्स, रोलेक्स पर भी एक सेपरेट फिल्म आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रोलेक्स जो कि विक्रम फिल्म का एक काफी पावरफुल और रूथलेस कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट सबको पसंद आया है, जिनका रोल सूर्या प्ले किए थे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। काफ़ी लोग चाहते हैं कि रोलेक्स सर पर एक स्टैंड अलोन फिल्म बने, और मेकर्स रोलेक्स पर एक पूरी फिल्म लाने वाले हैं। लोकेश कनगराज रिसेंटली कह चुके हैं कि वो रोलेक्स के कैरेक्टर पर एक स्टैंड अलोन फिल्म लाने वाले हैं। सर, इट्स गोना बी विक्रम 2 एंड कैदी 2, प्रोबब्ली रोलेक्स एज वेल। सो वैसे अगर रोलेक्स सर पर एक बेहतरीन फिल्म बनकर आती है तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाएगा सच में। इस फिल्म में सूर्या मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं, और इस फिल्म में वो रूथलेस गैंगस्टर रोलेक्स के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में हमें रोलेक्स सर की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि कैसे रोलेक्स इतने बड़े साम्राज्य को बनाया, और रोलेक्स आम आदमी से इतना खतरनाक गैंगस्टर कैसे बना। पूरी जर्नी रोलेक्स सर की हमें इस फिल्म में दिखाई जाएगी। वैसे ये फिल्म कब आने वाली है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये फिल्म जब भी आएगी तब तबाही मचाने वाली है। नंबर 5 लिस्ट पे विक्रम मूवी के काफी कमाल के कैरेक्टर एजेंट अमर पर भी एक स्टैंड अलोन फिल्म देखने को मिल सकती है। एक्टर फहद फासिल कुछ ही महीने पहले कंफर्म कर चुके हैं कि लोकेश कनगराज के साथ मेरी एक और फिल्म आने वाली है, और मे बी वो फिल्म यही वाली फिल्म हो सकती है। इस फिल्म में फहद फासिल मेन लीड में दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमें ब्लैक स्क्वाड के लीडर एजेंट अमर की पास्ट की स्टोरी दिखाई जा सकती है। अगर अप्लाई करोगे तोड़ दे जाएगा। नंबर 6 पर रिपोर्ट के अनुसार लोकेश कनगराज इस यूनिवर्स में एक मेगा फिल्म लाने वाले हैं। एलसीयू में वो एक प्रॉपर क्रॉसओवर फिल्म लाने की तैयारी कर रहे हैं। कैथी और एजेंट विक्रम को लेकर वो एक लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब अगर ये दोनों को लेकर एक प्रॉपर क्रॉसओवर फिल्म बनती है तो इस फिल्म को पब्लिक और बॉक्स ऑफिस दोनों का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स एलसीयू के बहुत ही शानदार कैरेक्टर हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो ये थी एलसीयू की टोटल 8 फिल्में जो कि आ चुकी हैं और जो कि आने वाली है। वैसे 2 फिल्में आ चुकी हैं, 6 फिल्में आने वाली है, और 6 फिल्मों में से 2 फिल्में आ सकती है। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। वैसे मैं थलपति 67, कैथी 2, विक्रम का सीक्वल, रोलेक्स, वैसे सभी फिल्मों के लिए वेट कर रहा हूँ। आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी टॉपिक का सजेशन हो तो प्लीज़ लिखकर कमेंट सेक्शन में बताओ यार।